चलो पहला क्वेश्चन क्या, इक्विवेलेंट नॉइज का क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये दे रखा है, ठीक है। पहली बात, जब भी ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, उसको डिसिबल को हम प्रेशर में चेंज करके फिर उसको ऐड करते हैं। बट अगर क्वेश्चन अलग अलग टाइम, ये सेम टाइम के लिए मैं बोला, सेम टाइम के लिए क्या करते हैं, प्रेशर में चेंज करके फिर उसको ऐड करते हैं। बट ये क्वेश्चन क्या, अलग अलग टाइम, ये किसी और मोमेंट पे, ये किसी और मोमेंट पे। उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा, 10 × 10^10 × t, बस इतना याद रखेंगे। 10 × 10^10 + t, ठीक है, बस इतना याद रखें। तो ये देखो 10 × 10^10 × t, ये वाला टर्म, इसको इसको बस अटैक करो, 10 × 10^10 × t, ठीक है। इसको ऐड करके हमें दिया आ गया, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन, अच्छा ये याद हो कि फ्री बोर्ड को ना, फ्री बोर्ड को हम कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते पहले, जो फ्री बोर्ड को, तो क्वेश्चन में दे रखा है तुम्हारा 3.5 डेज, तो इसमें फ्री बोर्ड हटा लिया, इसको इस डेप्थ को फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये 3 मीटर आगे बाकी है। अब ये तो याद हो, फ्लो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, अलोंग लेंथ। फ्लो वेलोसिटी मतलब अलोंग लेंथ, तो ये देखो Vs/Vs होगा L/H, ठीक है। तो फ्लो वेलोसिटी मतलब अलोंग लेंथ, तो भी इसमें डाल दिया, ठीक है, ये Vs आ गया ये चीज़, ठीक है। फिर से बोलो, फ्लो लेंथ मतलब अलोंग, फ्लो वेलोसिटी तो अलोंग लेंथ, तो ये आ गया, ठीक है। Vs = g/80, g - d/m, ये समझ में आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये सेटलिंग वेलोसिटी आ गया। अब देखो सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ये g/80 g - d/m। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इसका यूनिट होगा इसी का यूनिट, मतलब दोनों को एक दूसरे बना दो। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखो सेंटीमीटर पर स्क्वायर, इसको भी हम सेंटीमीटर पर रखेंगे ताकि यहाँ स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर से कैंसिल कर दे। अब इसका इसका सेम बात, Vs किस में दे रखा है, Vs दे रखा है तुमको सेंटीमीटर में, तो ये भी 918 यहाँ यूज़ करते। ये देखो Vs 918 आ गया, 18 आ गया, 2.6 फीट, और d आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से तुम्हारा d आ गया, लास्ट में चेक जरूर करें कि ये वैसे भी d लेसन के लिए दो फॉर्मूला, ये और ये। अच्छा इस वाले में क्या, ये इंपेरिकल फॉर्मूला टाइप है, क्योंकि 418 तुमने यूज़ किया है, इसका कोई लॉजिक होता है तो यार g-1 ये हो गया। ये d जो था mm में आएगा, और t जो आएगा डिग्री सेल्सियस में आएगा। फिर से बोले, d mm में आएगा, t आएगा, डी एम एम आएगा, और टी क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस में। तो वहाँ से यूज़ करके ये आंसर आ जाएगा डी, अगेन वो चीज़ चेक करोगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन वाले क्वेश्चन। फिल्ट्रेशन वाले क्वेश्चन में जो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो एक दिन के लिए करते हैं। एक दिन के लिए इसलिए करते हैं ताकि उसमें तो बैकवाशिंग, एक घंटा में तो बैकवाशिंग करे ना करे गारंटी, बट एक दिन में एक बार जरूर बैकवाशिंग करेगा। तो पहले से जो भी करेंगे वो एक दिन के लिए करें, तो ये जो देखा है इसको तो हम एक दिन में चेंज कर। दूसरा चीज, एक होता है फिल्ट्रेशन है, एक होता है फ्लो रेट। फ्लो रेट मतलब होता है जो पानी क्लीन होकर निकल रहा है, ठीक है। फिल्ट्रेशन मतलब कितना पानी वो टोटल डाल, मतलब फिल्ट्रेशन रेट के अंदर में ये सब हो गया, समझ रहे तो। फिर से बोला, फिल्ट्रेशन रेट के अंदर में तुम्हारा फ्लो रेट भी होगा और बैक वॉशिंग भी होगा, समझ रहे हो। तो ये देख, फ्लो रेट हो गया तुम्हारा 6, और फिल्ट्रेशन रेट बैक वॉशिंग वाला होगा ये, टोटल क्या होगा फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ऐसा रहता है फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर्ड वाटर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन रेट के अंदर में फ्लो रेट है, फिल्ट्रेशन रेट के दो पार्ट होता है, एक फ्लो रेट और एक एक बैक वॉशिंग वाला, ठीक है। तो इसको करेंगे ऐसा, कॉन्सेप्ट क्या रखना कि एक दिन के लिए करना, तो एक दिन के लिए करते यहाँ से बी आ गया। अब परसेंटेज टोटल फ्लो वाटर तो यहाँ कर लेंगे आराम से, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना ही है, ये चीज़ की फिल्ट्रेशन रेट बराबर फ्लो रेट प्लस बैक वॉशिंग। और एक और चीज़ क्या लिखना है, दूसरी और चीज़ क्या रखना है कि एक दिन के लिए हम करते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या, 1000 किलोग्राम ऑफ ड्राई सॉलिड यूज़ कर रखा है, मास्टर कंटेंट इज रहा है, सॉलिड इतना परसेंट है और ये इतना परसेंट है, ठीक है, इतना ये कॉन्सेप्ट देख लो। पहली चीज़ में जो तुमको ध्यान है कि देख, दो तरह वेस्ट में दो पार्ट होते, एक ड्राई वेस्ट प्लस वाटर, क्या बोला मैंने, वेस्ट के दो पार्ट होते, एक ड्राई वेस्ट प्लस वाटर, समझ में आया। अब उस ड्राई वेस्ट के दो पार्ट होता है, ड्राई वेस्ट के दो पार्ट होता है, एक तुम्हारा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, समझ आया। जो ये देख, ड्राई सॉलिड प्लस वाटर होगा, ड्राई के दो पार्ट है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है, अब समझ में आ गया। तो ये देखो क्वेश्चन में कितना टोटल सॉलिड प्रोड्यूस, 1000, तो वोलेटाइल सॉलिड में दे रखा है, टोटल सॉलिड में तो 1000 हो गया, तो वाटर कितना होगा, तो जो भी होगा, ठीक है, टोटल सॉलिड देखा है। अब सॉलिड के पार्ट होते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है, ये वाटर का पार्ट नहीं, वाटर अलग करके जो बचे हुए, तो इसमें ऑलरेडी सॉलिड देखा है, उसको वोलेटाइल निकल गया, नॉन वोलेटाइल हो गया, ठीक है। अब स्लज वॉल्यूम प्रोड्यूस आफ्टर ट्रीटमेंट, पहली बात पूरा पूरा खेल हम वॉल्यूम में खेलते, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल प्लस वाटर, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हारा वोलेटाइल वो निकाल लिया, ठीक है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। अब देख, वोलेटाइल के लिए क्या, 750 तुम्हारे निकाल चुके हैं ऑलरेडी किलोग्राम, इसको वॉल्यूम करे क्या, डेंसिटी से डिवाइड करके, तो बस यही है। वॉल्यूम में खेले तो वॉल्यूम करने के लिए क्या, डेंसिटी से डिवाइड कर दो, डेंसिटी से इसको कर दिया 650 को, और ये 350 को डेंसिटी से कर दिया, ठीक है। अब बात आ रही है उसकी, वाटर की, वाटर कैसे निकालेंगे, देख तूने सॉलिड निकाल रखा है, सॉलिड निकाल रहे तेरा वाटर का पता है, तो वो 100 में अगर मान ले 100 होता, तो उसमें 95 सॉलिड होता और 5 95 लिक्विड होता, 5 सॉलिड होता, ठीक है, 95 लिक्विड 5 सॉलिड, समझ रहा है। तो 1000 किलो है, तो उसमें क्या होगा, कैसे करें, तो ये 95 पर 5 × 2000, बस 100 के टर्म्स में निकली, 100 किलो अगर होता टोटल, ठीक है, दोस्तों 95 लिक्विड होता 5 सॉलिड होता, तो 5 सॉलिड के लिए 95 लिक्विड, तो इतना सॉलिड के लिए कितना, तो उसको 20 टाइम्स करो, तो ये आ गया तुम्हारे, ये आ गया, ठीक है, वॉल्यूम सॉलिड यहाँ से निकल गया। डाइजेशन, डाइजेशन में क्या करता, तो वॉल्यूम वोलेटाइल सॉलिड का होता, तो देखो वोलेटाइल सॉलिड तूने ये कर दिया 325, ठीक, समझ में आया, वोलेटाइल सॉलिड मतलब क्या, 325, तो ये आ गया 3 सॉलिड, ये हो गया, हाँ 325 हो गया, नॉन वोलेटाइल बचा, वोलेटाइल सॉलिड कितना हट गया देख लो, डाइजेशन में गया तो वोलेटाइल कम हुआ, तो 325 यहाँ आ गया। अब देख टोटल सॉलिड के लिए गए थे वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल यहाँ से निकल गया, तो वोलेटाइल ये हो गया, करस्पॉन्डिंग नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल इफेक्ट होगा नहीं, तो वहाँ से इसका डेंसिटी, इसका डेंसिटी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो गया, मॉइस्चर कंटेंट चेंज, अच्छा
जब डाइजेशन होगा तो वोलेटाइल खत्म होगा, वोलेटाइल मतलब क्या टोटल सॉलिड चेंज होगा, ये याद रहे ये इंपॉर्टेंट कि ये जो है ना अभी हज़ार यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल वोलेटाइल चेंज हुआ तो क्या टोटल सॉलिड भी चेंज होगा। तो 625 अब नहीं रहा, अब बचा 675 हो जाएगा, 325 उड़ चुका है ना, तो टोटल सॉलिड अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। वोलेटाइल चेंज होगा मतलब टोटल सॉलिड भी चेंज होगा और ओवरऑल वाटर भी चेंज होगा, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। फिर क्या बोला मैं, वोलेटाइल चेंज हो रहा है तो वोलेटाइल चेंज मतलब क्या टोटल सॉलिड चेंज होगा, टोटल सॉलिड चेंज होगा तो ये देख लो वाटर कंटेंट भी चेंज होगा, शुरुआत में 1000 था अभी 675 हो गया, तो ये चीज़ ध्यान से लिखना। फॉर्मूला सेम, बस वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी देखो डी वाटर, डी वाटर क्या है तो वाटर कंटेंट चेंज कर, 90 था अभी 75 हो गया। इसको कैसे निकालते, सिंपल तरीके, 100 किलोग्राम में 75 वाटर होगा 25 सॉलिड होगा, तो 75 और 25 को पकड़ो, ठीक है। 25 का रिस्पॉन्ड 75 है तो 675 का क्या उसका 3 गुना होता है, ऐसा ही कुछ हो तो ये आ गया, ठीक है। ड्राइंग में क्या कर रहे हैं, फिर अगेन उसका मॉइस्चर कम कर, डी वाटरिंग या ड्राइंग में क्या करता है, वाटर को ही कम कर रहे थे दोनों में, ठीक है। इंसिनेशन में क्या होता है, वोलेटाइल और वाटर दोनों को चेंज कर रहा है, ठीक है। इंसिनेशन क्या, वोलेटाइल और वाटर दोनों को चेंज कर, यहाँ से ही आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब देख इस क्वेश्चन में क्या देखे, वॉल्यूम एरोमेटिक इतना 5 ml पर दे रखा है, ठीक है, और ट्रीटमेंट प्लांट 60% सस्पेंडेड सॉलिड है, ठीक है, 250 ग्राम मिलीलीटर पर वो है, इनिशियल एफिशिएंट ये है, फाइनल ये है। पहली बात ये देखिए 5 ml क्वेश्चन में दे रखा है ये, ठीक है, 5 किलो, तो BOD को हम क्या करते हैं किलोग्राम पर डे में हम कैसे चेंज करें, सो क्यू से मल्टीप्लाई, याद रहे BOD तो मिलीग्राम पर लीटर, सो क्यू से मल्टीप्लाई करेगा ना तो तुम्हारे किलोग्राम पर डे में हो जाए, तो 5 ml है, इसको तो BOD 250 उसे मल्टीप्लाई करो तो 1250 किलोग्राम पर डे, समझ में आया। अब ये देखो क्लेरिफायर, हाँ क्लेरिफायर जो होता है ना, क्लेरिफायर पहली चीज़ होता है जो क्लेरिफायर होता है ट्रिकिंग फिल्टर से पहले लगता है, ठीक है। क्लेरिफायर का जो आउटपुट होता है मतलब जो जो क्लेरिफायर जिसको रिजेक्ट करता है उसको हम डालते हैं, मतलब डीवाटरिंग में डालते हैं, ठीक है। देख क्लेरिफायर जो होगा कुछ को पास करने देगा प्यूरीफाई करके, और जो वेस्ट होगा उसको निकालते, वेस्ट जो निकलता है उसको हम यूज़ करते हैं कहाँ, वेस्ट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसमें डाइजेशन या फिर उसके लिए, ठीक है। तो ये याद रहा, तो पहली बार 60% ये हो गया, ये तूने 1250 नहीं, 60% ये हो गया, मतलब इसको तू अब यूज़ कर रहा, समझ रहा है, न कि जो बच रहा है 40% बच रहा है उसका यूज़ नहीं कर रहा, जो जिसको नहीं पास होने दे रहा उसको हम डिवाटरिंग यूनिट में भेजते, याद रहे, ठीक है। तो 750 ये हो गया, ठीक है। अब कुछ में कहते हैं मॉइस्चर पॉइंट 96, तो फिर हम वही चीज़ खेलें कि 1 kg में, एक के जी में तुम्हारा क्या होता है, 1 kg में तुम्हारा होता है कि 4 किलो, हाँ 4 किलो ड्राई होगा, 96 किलो वाटर होगा और 100 किलो टोटल होगा, ठीक है। क्वेश्चन दे टोटल कितना देगा, 750 दे रखा है, तो देख 4 किलो ड्राई तो 100 किलो वो होगा, ठीक है, तो 750 किलो ड्राई ये क्वेश्चन में जो, अच्छा एक बात और, प्राइमरी क्लेरिफाई में जो निकलेगा ना वो सॉलिड ही निकलेगा, ठीक है, सॉलिड की बात होगी वो, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है ना कि क्या दे रखा है, इफिशियंसी सॉलिड इन स्टाइल, क्वेश्चन में देखा है कि सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल, तो जो इसका आउटपुट होगा ना वो सॉलिड के, तो ये 750 ये टोटल ही है, वो है ड्राई है, तो यह देख ये ड्राई हो गया, 4 किलोग्राम ड्राई होगा तो 100 किलोग्राम टोटल, तो 775 तो कितना होगा, इतना टोटल ये हो गया टोटल, समझ में आया, ये तुम्हारा सॉलिड था ये अभी टोटल है, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी तेरे को पता है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ये पता है, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तुमने देख ये टोटल है तो टोटल का वो देख ले, टोटल को टोटल के रो जी दे रखा है, प्राइमरी वेट स्लज का ये देख ले, यहाँ से ही आ गया 18.2। अब देख इनिशियल वोलेटाइल का 70% वोलेटाइल किसका होता है, सॉलिड का, जो 750 इसका यूज़ करें ना कि इसका यूज़ करें, इसका यूज़ किया तो 70% इसका निकाले तो ये होगा, ये नॉन वोलेटाइल कितना 225, ठीक है। अब क्वेश्चन कहते हैं 65% वोलेटाइल डिस्ट्रॉय हो रहा है, 65% खत्म हो गया, तो बचा कितना ही है, मतलब अभी वोलेटाइल कितना बचा, इतना बचा, हाँ 65% बोल रहा है कि डिस्ट्रॉयड हो रहा है, तो समझ रहे डेस्ट कितना, इतना खत्म हो गया, तो अभी बचा कितना, 183 ये बचा वोलेटाइल, और मास ऑफ सॉलिड कितना बचा टोटल, ये नॉन वोलेटाइल और ये वोलेटाइल ये बचा, ठीक है। और ड्राई जैसे सॉलिड कंडीशन मतलब ये क्या वाटर कंडीशन, तो ड्राई के अगर वॉर्निंग 100 होता है तो यहाँ से दोबारा वाटर आ गया, ठीक है। अच्छा अब अगला क्वेश्चन क्या, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि देख 8% तुम्हारा क्या है ड्रग सैलिस कंसेंट्रेशन है, ठीक है, तो 8 किलो ड्राई में 100 हुआ है, तो अभी देख तुम्हारा टोटल सॉलिड कितना 408 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारा ये आ गया, मतलब ड्राई सॉलिड ये आ गया, मतलब टोटल सॉलिड, फिर समझ दो चीज़ें हम किया, हमने क्या किया, पहले हमने शुरुआत से देखो तो हमने सबसे पहले क्या किया, देख पहली चीज़ की प्राइमरी क्लेरिफायर से जो जो जिसको रिजेक्ट कर देता है जिसको पास नहीं होने देता वो हम यूज़ करते कहाँ, डी वाटर या फिर स्लडाइजेशन में, ठीक है। और वो जो गिवन वो एज ए सॉलिड निकालता है, कुछ समय देखा सॉलिड रिमूवल, तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है, टोटल यहाँ से ये आ गया तुम्हारा सॉलिड का, तो सॉलिड है तो टोटल तुम यहाँ से निकाल ले मॉइस्चर कंटेंट का यूज़ करते, मॉइस्चर का टोटल कंटेंट और उसको कर सकते वॉल्यूम देना। अब क्या करते उसको वोलेटाइल को हटा रहा, वोलेटाइल को उड़ा रहा, तो ये बचा वोलेटाइल को उड़ा के टोटल कुछ बनेगा, टोटल कुछ ये ड्राई ये बचा, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल ड्राई टोटल सॉलिड होता है, टोटल सॉलिड तुम्हारा ये आ गया, ठीक है, टोटल सॉलिड तुम्हारा ये आ गया, टोटल सॉलिड सॉलिड है ये। अब टोटल टोटल मतलब सॉलिड नहीं बोला, टोटल मतलब लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों मिला के, तो ये आ गया तुम्हारी ये 509 ये चीज़, ठीक है। अब इसे कर पानी वॉल्यूम निकाल लिया, टोटल ये निकाल, अब भी क्या होता है V1-2/3 V1-3, ये पहले जो था डायजेशन से पहले का वॉल्यूम, ये डायजेशन के बाद का वॉल्यूम, ये दोनों का यूज़ करके ये टी क्या होता है डिटेंशन टाइम,
ये यूज करके तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन तुम्हारा खत्म, ठीक है। अब ये देखो, अब ये हार्डी क्रॉस फार्मूला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में करते क्या है कि फ्लो तू मान लेता है किसी एक, कुछ भी मान ले, तेरी वैल्यू वैल्यू कुछ ही मान सकता है, बस इतना है कि कंटिन्यू क्वेश्चन से जैसे इधर 25 हुआ तो इधर 25 ही होना चाहिए, इधर तूने 20 माना तो इधर 30 होना, तो कंटिन्यू की सेटिस्फाई करना। तो ये देखो तूने ये डायग्राम लिख लिया ये चीज, ठीक है। अब एक फॉर्मूला याद रख, एच एल इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, एच एल इक्वल टू के क्यू स्क्वायर यूज करता है, ठीक है। अब क्यू का फॉर्मूला ये तूने जो माना है वो अच्छा, एक पे याद रखी बी डी और डी बी में फर्क है, ठीक है। बी डी में अगर 25 ज़्यादा तो डी बी में -50 ज़्यादा, ठीक है। तो पहले लूप बनाना तेरे को, पहला लूप पे तो क्या किया ए बी डी ए, इसमें पार्ट क्या होगा, ए बी पहला, फिर बी डी दूसरा, फिर डी ए पहला। तो डी ए में फ्लो तो ना अपोजिट माना, तो यहाँ इसलिए हम माइनस रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, ये आ गया, ठीक है। अभी देखो ये कर दो, के की वैल्यू डाल दो, एच एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर का, तो एच एल की वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब एच एल अपन क्यू के हो गया तुम्हारी, ये आ गया एच एल अपन क्यू ए, क्या आ गया ये चीज़, इस तुम्हारे पास पता है क्यू ए पता है, इसको डाल के तुम्हारी ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इस स्टेप पे मत जाओ, अब ये देखो ये तुम्हें करना है कि सिग्मा एच एल क्या हो जाएगा और सिग्मा एच एल अपॉन क्यू ए क्या हो जाएगा, दिख रहा है ये चीज़, ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, ठीक है, ये निकाल लिया। अब डेल्टा ये करने का तुम्हें क्या ना, डेल्टा की वैल्यू निकाल, डेल्टा उसको तो माइनस एच एल अपॉन ये क्यू करो, तो इसका आंसर होगा -2.5, ठीक है, ये समझ जाएगा -2.5। तो ये देखो अब इसमें क्या है कि ए बी, ए बी तूने माना 25 और -2.5 लिखा, तो उसमें -2.5 बैठा तो 22.5 आ गया, ठीक है। मतलब ये वाला स्टेप है वो निकालने का, डेल्टा निकालने का बात करते हो, ये -22, अब 25 है, 25 ये कौन सा है बी डी, ये देखो बी डी, अब बी डी कॉमन, इसमें ये भी लूप में आएगा ये भी लूप, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ये देखो -25 ये रहा, इसको तो -2.5 कर दिया, -27, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। अभी तो दूसरा लूप को पकड़ो, बी सी डी है, कुछ भी टाइप से मान ले, ऐसे मान ले बी से सी जाएगा, सी से डी आ रहा, और इसमें ये तो ये ज़्यादा, ये वाला फिर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने उल्टा मान लिया, ठीक है, बी सी देखो बी सी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और यहाँ पे -25 इधर है, बट तू ऐसे जा रहा तो ये निगेटिव हो जाता है। ये देखो -25 ये हो गई है, सेम करके के डाल के ये अलग एच एल, मतलब के क्यू स्क्वायर करके ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेगा, ये निकाले एच एल बाई क्यू, अब फिर से तूने क्या कर, ये डेल्टा वाला फॉर्म लगाएगा, तो इसका डेल्टा क्या है -12.5 आ रहा है, ठीक है। तो अब सब में ये करें तो 15 में -12.5 घटाएगा तो 27.5 आ गया, 25 इसमें -2.5 घटाएं तो ये आ गया। अब डी बी, डी बी चूँकि मेन है, समझ आए, डी बी पहले वाले में कहते हैं बी डी, पहले मैंने बी डी सर -2.5 बढ़ा था, और इसमें कितना करना है ना -12.5, बट ये डी बी के लिए है ना कि बी डी के लिए, उल्टा, तो इसमें कितना ऐड करेंगे 12.5 ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखो 25 -2.5, बट इसका +2.5 क्यों, क्योंकि ये डी बी का है ना कि बी डी का, तो इसलिए हम +2.5 यूज़ करेंगे, तो इसमें आंसर आएगा 25, ठीक है। अब क्या करें, सेम वैल्यू को डाल के जो तुम्हारे पास वैल्यू उसको डाल के दूसरा इटरेशन करो, दूसरा इटरेशन करके देख लो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। तीन कुछ है तो तीन बार इटरेशन कर दो, इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें कि जो कॉमन होगा ना कॉमन को लास्ट में करेंगे, और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वीडियो डीवी अलग अलग है, बस इतना ही, इसमें हार्डी क्रॉस में याद रखना है, ठीक है। अब ये कुछ देखो, पहली बार 4% डायल्यूशन मतलब क्या होता है, 4% डायल्यूशन मतलब होता है 4 वाटर और 96 एरिड, ये पता नहीं। तो देखो कैसे बी ओ डी निकालते, देख लो 2 × 0.6 96 यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब इनिशियल बी ओ माइनस फाइनल डी ओ करके ये आ गया, ठीक है। अब अल्टीमेट निकालना तो देख लो, जो तुम्हारा तुमने एवरेज तो निकाला ही है, अल्टीमेट यहाँ से आ जाएगा। कॉन्सेप्ट इतना कि 4% डायल्यूशन तो क्या होता है, 4 सैंपल 96 वाटर जिसका वो होता है, समझ आया, जियो वो समझ आ गया। तो ये बी ओ डी क्वेश्चन दे रखा, तो ठीक है बी ओ डी दे रखा है डी ओ अरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर वैसे तो नहीं किया उसका, डी ओ जीरो होगा, बट कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब ये देखो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये है, ये सीवेज दे रखा है, ये सब दिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये कि पहली बात प्राइमरी क्लोरीफायर, पहली बात कॉन्सेप्ट क्या है कि प्राइमरी क्लोरीफायर के बाद हम ट्रिकली फिल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी फिल्टर आप देखो बी ओ डी ये जा रहा है, बी ओ डी कितना तुम्हारा 250 फ्लो कितना 3, तो ये होगा ये, तो बी ओ डी रिमूव पहले में क्या था 25, तो बता मतलब प्राइमरी क्लोरीफायर के बाद कितना 75% ये हो गया, ठीक है। अब जिससे प्राइमरी क्लोरीफायर के बाद जो निकल रूम में 65 ये कहा जाएगा तो डाइजेशन टैंक में जाएगा, डाइजेशन टैंक में जाएगा, और ये जो कहा जाएगा ट्रिकली फिल्टर में, तो अब ट्रिकली फिल्टर का इनपुट तो यही लेगा, समझ रहा है, फील्ड का इनपुट ये ले लिया। अब क्वेश्चन क्या है कि परमिसेबल बी ओ डी कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये आउटपुट दे रहा होगा, तो ये हो गया तुम्हारा 90 kg/mg, पर इसको तो 90 kg/g पर डे में इसको चेंज कर रहा है, 90 kg/d, तो बी ओ डी ऊपर कैसे होगा 560 rupees/90, तो एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगा 84%, ये दिख रहा है। इनपुट क्या था 560, आउटपुट क्या था 90, ठीक है, इनपुट ये था आउटपुट 90, तो इसको करने एफिशिएंसी यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब ये देखो 100 इसमें वाई जो होगा ना, वाई देख एफ तो फॉर्मूला है 1+r/a और 1+0.1r/a का होल स्क्वायर, ठीक है। वाई जो होगा ना वाई जो इनपुट होगा वो लेंगे, इनपुट क्या प्राइमरी क्लोरीफायर का आउटपुट और ट्रिकली का इनपुट, तो ये हो गया 75 आउटपुट हो गया ये वाला, मतलब प्राइमरी क्लोरीफायर जो निकल के रहा 56.5 इसको डाला यहाँ से भी आ गया, ठीक है। वी जो होगा ना ये हेक्टेयर पर मीटर में होगा, याद रहे हेक्टेयर पर मीटर में होगा, ठीक है, सिर्फ हेक्टेयर नहीं हेक्टेयर पर मीटर, ठीक है, इसको डालेंगे तो ये आगा मीटर क्यूब, ठीक है। अब एरिया के लिए क्या करें, उसको डेप्थ से डिवाइड करेंगे फिर बाकी चीज ले आएंगे। फिर से बोला हूँ ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा वॉल्यूम होगा हेक्टेयर मीटर में, ठीक है, तो यहाँ से आ गया, ठीक है।
चीज़ है, ठीक है, अगेन वही चीज़। अच्छा क्वेश्चन में आया कि स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर, स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर तो ये आर बाई आई होता है ना, उसको आर बाई एफ होता है ना, उसको जीरो कर देना, वो जो वैल्यू है ना, कौन सा था ये देखो, ये दिख रहा है आर बाई आई, इसको हम जीरो करते हैं, ये पूरा एफ वन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड के लिए क्या करते हैं, एफ वन कर देते हैं, ठीक है, इसको डाल के फिर जो आंसर है वो करना, परसेंटेज है तो वो निकालना, निकाल ले इसे निकाले कि इधर जो फर्स्ट वाला, तो उसको हम पहले जिसको निकाले उसको ये इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, देख ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में क्या पॉपुलेशन दे रखा है, सीवेज दे रखा है। अब देख दो चीज़ होती है इस क्वेश्चन में क्या, पहले एक सीवेज और वाटर से मिल रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक मिक्सिंग हो रहा होगा। दूसरा क्या है, सीवेज, सीवेज में एक डोमेस्टिक है इंडस्ट्रियल, वो मिक्स हो रहा होगा, सही है, समझ में आया। ये देख एक सीवेज और इंडस्ट्रियल मिक्स, एक डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल मीटर होगा सीवेज बनाने के लिए, वहाँ पे मिक्सिंग होगा, और दूसरा क्या सीवेज पानी के साथ मिला वहाँ पे होगा। तो पहले देख, पहले क्या बी बीओडी डोमेस्टिक और सीवेज का मिक्सिंग, सीवेज के पास वो लेता है, तो इसका बीओडी नेट बीओडी यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, टोटल डिस्चार्ज निकाल लिया, ठीक है। अब देखो जब ये वाटर में मिलने जाता है ना, वाटर में जब मिलने जाता है तो इसका डिस्चार्ज है ना, इसका डिस्चार्ज ये 1.1 टाइम्स होता है, ये देखिए ये तुम्हारा सीवेज हो गया। अब सीवेज जब रिवर में मिलने जाएगा ना, रिवर में, तो इसका डिस्चार्ज जो क्यू होगा वो 10% बढ़ जाएगा, इसका नया वॉल्यूम क्या होगा, ये आ गया, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब देख इनिशियल सेचुरेशन तुम वाटर का दे रखा है डी ओ, इनिशियल डी ओ दे रखा है, ठीक है। वाटर का थ्योरेटिकली हम देख, वाटर का जो रिवर होगा ना उसका थ्योरेटिकली बीओडी, अच्छा वाटर जहाँ बोलो वहाँ मतलब रिवर की बात है, ठीक है। तो रिवर का जो थ्योरेटिकली डी होगा वो मैक्सिमम होगा और बीओडी उसका जीरो होगा थ्योरेटिकली, ठीक है। तो बीओडी मैक्सिमम कुछ हम देखा है 7, तो इसका 7 हो गया, ठीक है। अब सीवेज का थ्योरेटिकली बीओडी मैक्सिमम होगा, ठीक है, और डी ओ इसका जीरो होगा। तो देख इसका वॉल्यूम ये रहा 142.09, बट इसमें बीओडी कितना होगा, लगभग जीरो, क्योंकि सीवेज है, तो ये देख रहे डीओ इसका जीरो हो गया, ठीक है। सीवेज में डीओ जीरो होगा, बीओडी मैक्सिमम होगा, रिवर में डीओ मैक्सिमम होगा, बीओडी जीरो होगा, याद रहना, ठीक है। इसका देख 142 हो गया तुम्हारा वॉल्यूम, क्योंकि वाटर साथ मिलने टाइम में सीवेज का वॉल्यूम बढ़ जाता, तो ये देखो 10% ही हो गया, तो 10 इसको इसको जीरो से मल्टीप्लाई किया, 7 को 145 से मल्टीप्लाई किया, समझ में आया ना, क्योंकि इसमें डीओ जाता है, यहाँ से नेट डीओ आ गया, ठीक है। अब ये जो फार्मूला होता है ना ये वाला, इसमें डी डिजर्ट बॉक्स ये नहीं होता, डीओ नहीं होता, ये डिफेसिट होता है, डीओ का डिफेसिट, डिफेसिट मतलब 7 तुम्हारा टोटल है, तुमने 6.7 लिया है, इसका डिफरेंस कितना होगा, 0.025 हो गया, ये समझ में आया, 7 टोटल था, 7 मैक्सिमम था, जीरो तूने निकाले था, तो डिफिसिट कितना 0.215, ठीक है। और बाद में फाइनली उसका डी ओ होता है 3, ठीक है, फाइनली क्या होता है 3, ये डी सी है, डी सी मतलब क्या, ये फाइनल वाला, और डी ओ क्या है, इनिशियल वाला। तो देख इनिशियली से कितना था डी ओ, ये है, ये मतलब ये यहाँ जाएगा, डी सी क्या है, फाइनल, फाइनल क्या है 3, तो ये देख लो फार्मूला डाला, और ये ठीक है, फिर से बोला डी सी है ये, और ये डी ओ, डी ओ मतलब इनिशियल डिफिसिट, डी सी मतलब फाइनल डिफिसिट, तो यहाँ इनिशियल डाला, फाइनल डाला, तो यहाँ से एल नॉट की वैल्यू आ गई, एल नॉट की वैल्यू ये आ गई, समझ में। अब एल नॉट की वैल्यू तो 5 दिन बाद बी ओ डी तूने निकाल, तो ये आ गया, ठीक है, ये चीज़। पर तूने बी ओ डी क्या माने, बी ओ डी हमने रिवर का सीवेज का हमारे पास है, तो वहाँ से एवरेज हम मतलब ये तुम्हारा एवरेज हो गया, तो एवरेज यहाँ पे डाला, ठीक है। तो रिवर का ये देखो, रिवर का बी ओ डी हम जीरो मानते हैं, रिवर का बी ओ डी हम जीरो मानते हैं, और सीवेज का कुछ ना कुछ हो, तो सीवेज को सी एस माने, तो यहाँ से करके वॉल्यूम ये आ गया सी एस, ठीक है। मतलब पानी जब वहाँ गया तो उस समय उसका बी ओ डी कितना चेंज होगा, ये बात हो रही है, ठीक है। जब मिलने जाएगा तो उसमें उसका बी ओ डी कुछ ना कुछ चेंज होगा। देखो ऐसे याद हो कि सीवेज जब पानी के पास मिले जाए तो उसका कुछ ना कुछ बी ओ डी चेंज होगा, और जो डिस्चार्ज जो 1.1 है, 1.1 टाइप कितना चेंज हुआ मिलने से जस्ट पहले, तो वो होगा ये, ठीक है, ये आ गया जी। अब शुरुआत में कितना था, शुरुआत में था इनिशियल बी ओ डी, इनिशियल बी ओ डी इतना था, और उसको उसके ही उसके साथ जब रिवर से मिलने गया तो उसका ये होगा, बट उसका डिस्चार्ज भी चेंज होगा 1.1 टाइप, देख रहा है ये करके, फिर डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ से आ जाएगा। कॉन्सेप्ट इतना ही कि रिवर से जब मिलने तो उसका डिस्चार्ज भी चेंज होगा और बी ओ डी भी चेंज होगा, ठीक है। डिस्चार्ज कितना 1.1 टाइप। अब ये क्वेश्चन दो, कंबाइंड, कंबाइंड मतलब क्या कि रेनफॉल और सीवेज दोनों होगा, ठीक है। कंबाइंड मतलब रिवर और रेनफॉल और सीवेज, रेनफॉल की डिजाइन क्या करता है, आर अपॉन ए प्लस टी प्लस बी, ठीक है। टी की वैल्यू होगा देख 5 से 20 के बीच में, तो 75 और 10 मानेगा, और 20 से 100 के बीच में तो 100 और 120 माने, तो यहाँ 75 ही होगा, यहाँ से देख लो 2.6 सेंटीमीटर। अब उसको जैसे निकालते हो उसे निकाल लेंगे रिवर वाटर, समझ में आ गया, ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर पर मीटर, ठीक है। और सीवेज के लिए क्या करते हैं, जो तुम्हारा वाटर कंजम्पशन है ना, जो तुम्हारा वाटर कंजम्पशन को 80% कर दे, जो तुम्हारा वाटर कंजम्पशन कुछ हम देख रहे हैं एवरेज पर वाटर कैपिटा, तो उसका तो एवरेज को लेकर 80% कर दो, ये आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ वो एवरेज को तू वाटर में कर, तो एवरेज तुम्हारा सीवेज का आ गया, अब उसको तू मैक्सिमम करो, डिजाइन हमसे मैक्सिमम के लिए, याद दो चीज़ याद है, पहले सीवेज के लिए हम करते तो वाटर कंजप्शन का 0.8 टाइम्स हो गया, और डिजाइन हमसे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए 2.7 टाइम्स करते, इन्होंने 3 लगे तो 3 से ये आ गया, ठीक है, ये सीवेज आ गया 3 टाइम्स, ठीक है। अब वाटर के लिए क्या होता है, अब रेनफॉल के लिए क्या होता है, के आर के तुमने ऊपर निकाला 2.5, ठीक है, इसको डाल के ये आ गया, ठीक है, दोनों को ऐड कर 3.97, ठीक है। इसका कुछ डेप्थ मान लो या वेलोसिटी मान लो, वेलोसिटी 0.3 देखा है, तो यहाँ से डी आ गया, डी की वैल्यू बस खत्म, ये क्वेश्चन हो गया खत्म।